स्टूडेंट कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए हम जो है सामान्य हिंदी का पेपर आपके सामने 2024 यूपी बोर्ड 302 DI जो हमारे पास में है, आप इसका सही मिलान कर लीजिए जो पेपर करके आए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है तो चंद छंद वर्णन की महिमा। अब देखिए आगे हम जो है करते हैं, गुलाब राय मेरी असफलताएँ क्या है। तो गुलाब राय जो है ये आत्मकथा है, इसमें जो है क्लियर नहीं है तो ये आत्मकथा है, इसको जो है जिसको मालूम है इसको कमेंट करें। आगे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा। अब आगे देखिए कहेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो माटी हो गई सोना। यहाँ पे थोड़ा मुझे पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न में डाउट है, अगर इसका किसी को आता है आंसर तो जो है कमेंट करके बताएगा। का और खा का गा घा अंगा ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आगे जो है देखते हैं भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। यहाँ देखेंगे हुंकार, हुंकार काव्य के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह है। बाकी त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन ये सब प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा तार सप्तक 1951 में, और पहला 1943 में। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन की रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। आगे आइएगा देखेंगे यहाँ पे गद्यांश दिया था, किया होगा सभी विद्यार्थियों ने और ये पद्यांश भी किया होगा। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हरजाई प्रसाद द्विवेदी का किया होगा, यहाँ पे जो है मैत्री षड्गुप्त का किया होगा बच्चों ने, पंचलाइट या बहादुर में से किसी का किया होगा, संस्कृत भी की होगी। लास्ट में हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न बता देते हैं, यहाँ पर किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। देखिए कितना अच्छा आया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, माने उस वर्षा का क्या फायदा जब फसल सूख जाए, तो इसको जो है वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा ज्ञान जो है सब जगह जो है घूमता फिरता रहता है। आग बबूला होना, गुस्सा होना, आसमान टूट पड़ना यानी बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आ जाना। ये देखिए एक श्लोक लिखना, श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी जो है अनुवाद करना था। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा साहेत सर्वविद्यानां धर्मश्चा धनश्चा, तो इसका जो अर्थ लिखा होगा। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर में अंब, अंब का मतलब क्या था, अंब का मतलब माता और अंबु का मतलब पानी होता है, जल। भवन, भुवन, भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब संसार। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे, जैसे वारिद, वारिद का मतलब होता है मौजूद है या हाजिर है या प्रकट है। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है या जो दो बार जन्मे या पक्षी। मित्र का मतलब साथी, सारथी, सहायक, किसी एक का ही लिखना था तो कर लिया होगा। देखिए एक शब्द इसके लिए चुनना था कि जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत, इन्फिनिटी, कम बोलने वाला, मितभाषी। इसी तरीके से जो है लिख उसे किसी दो वाक्यों को शुद्ध करे, जैसे पुत्री पराया धन होता तो ये नहीं होगा, पुत्री पराई पराया धन होती है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरे बड़े भाई आ गए, ये लिख सकते हैं। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो जो है तुम मुझे पुस्तक दे दो, और यहाँ पर मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, तो ये हो जाएगा। करोड़ रस लिख डालते ही करोड़ अथवा शांत रस काल आया था, तो करोड़ रस लिख सकते थे हम कि जहाँ पर कोई बंद वियोग प्राणी अगर बिछुड़ जाए तो उसमें जो का करोड़ रस का क्या होता है, शोक, शोक नामक स्थायी भाव आता है, उससे जो है करोड़ रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मड़ खोए भुजंग से जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, जैसे उत्प्रेक्षा लिखना है तो जन जानो मन मानो, जहाँ पर शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप परो प्रभात, तो यहाँ पर जो है मनो शब्द आ गया। चौपाई अथवा दोहा लिखना था तो चौपाई लिख देते, चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो है आप सभी को पता होगा। यहाँ पे दोहा, दोहा में भी लिख सकते हैं, तेरह तेरह पर प्रथम और द्वितीय तृतीय चरण में तेरह तेरह, द्वितीय चतुर्थ चरण में गेरा गेरा मात्रा होती है, उसे हम लोग दोहा कहते हैं। दोहे तो रोज ही पढ़ते हैं, पानी रहमन पानी रखे बिन पानी, सब सुन पानी गए न उभरे मोती मानुस चुन, इस तरीके से। छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखे, लिख लिया होगा, या तो विद्यालय में खेल कूद की सामग्री पर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, 6 नंबर हो गए। अब इसमें कोई भी लिख देते कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है तो ये भी लिख सकते थे, या मेरे प्रिय कवि किसी कवि के बारे में यहाँ पर उसका जीवन परिचय लिख सकते थे। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगले प्रश्न के उत्तरों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।